स्टूडेंट्स, सीबीएसई बोर्ड क्लास 10 रिजल्ट को लेकर सबसे बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है। सीबीएसई बोर्ड क्लास 10 का रिजल्ट बहुत ही जल्द देखने को मिलेगा। सीबीएसई बोर्ड ने ऑफिशियली क्लियर किया कि क्लास 10 का जो रिजल्ट होगा वो ऑब्जेक्टिव क्रिटेरिया के बेसिस पे बहुत ही जल्द छात्रों को दे दिया जाएगा, क्योंकि 10वीं की परीक्षाओं को नहीं लेना है। ऑलरेडी सीबीएसई बोर्ड क्लियर कर चुकी है कि सीबीएसई बोर्ड 10वीं की परीक्षाओं को कैंसिल कर चुकी है। तो ऐसे में मार्क्स जो है ऑब्जेक्टिव क्रिटेरिया के बेसिस पे जल्द सीबीएसई बोर्ड जो है पूरे देश भर के स्कूलों से कलेक्ट करके क्लास 10 का रिजल्ट को जारी करेगी। एग्जैक्ट डेट जो है आपके क्लास 10 रिजल्ट को देखने को सामने आ रहा है। उसी बीच वही ऑब्जेक्टिव क्रिटेरिया को लेकर सीबीएसई बोर्ड ने सबसे बड़ा खुलासा किया है क्लास 10 के रिजल्ट को लेकर। यानी क्लास 10 का जब रिजल्ट मिलेगा तो ऑब्जेक्टिव क्रिटेरिया के बेसिस पे पूरी 100% जो है रिवील कर दिया गया है कि क्लास 10 का रिजल्ट कैसे प्रिपेयर किया जा रहा है। सबसे बड़ी खबर जान लीजिए, सबसे बड़ा जो खुलासा किया है आपके ऑब्जेक्टिव क्रिटेरिया को लेकर, सबसे बड़ी बातें जो है स्कूल के प्रिंसिपलों ने कही है सीबीएसई बोर्ड के मार्क्स को लेकर। उन्होंने कहा है कि क्लास 10 का जो रिजल्ट प्रिपेयर होगा उसमें सबसे मोस्टली, यहाँ पे साफ साफ पढ़िएगा, बट एट द टाइम द ही सेड द इंटरनल असेसमेंट मार्क्स विल बी मोस्टली ऑन द हायर साइड इन कंपैरिजन विद द थ्योरी मार्क्स। यानी कि जो 80 मार्क्स का आपका पेपर सीबीएसई बोर्ड ने कैंसिल किया है जिसका थ्योरी था, और आपका 20 मार्क्स इंटरनल असेसमेंट के थे जो पूरे देश के हरेक स्कूलों में हरेक छात्रों के जो मार्क्स हैं वो स्कूलों के पास हैं इंटरनल असेसमेंट के मार्क्स। तो सीबीएसई बोर्ड जब आपके आपके ऑब्जेक्टिव क्रिटेरिया के जो मार्क्स डिसाइड करेगी उसके बेस पे आपको जो टोटल 100 मैक्स मार्क्स जो दिए जाएंगे उसमें सबसे बड़ा अहम रोल जो हायर साइड जो होगा वो आपका इंटरनल असेसमेंट का होगा। इंटरनल असेसमेंट तय करेगा कि छात्रों के मार्क्स जो है किसने मिलने चाहिए। सीबीएसई बोर्ड के प्रिंसिपलों ने यह साफ साफ क्लियर किया कि 20 मार्क्स का मार्क्स जो है, यानी 20 मार्क्स जो स्टूडेंट्स को मिले हैं वो केवल 20 मार्क्स नहीं है, वो जो है 20 मार्क्स स्टूडेंट्स को पूरे साल का उनका जो है परफॉर्मेंस को उनको पूरी कंप्लीटली बताते हैं। 20 मार्क्स जो स्टूडेंट्स को मिलते हैं उसमें जैसे कि आपको पता होगा प्रोजेक्ट वर्क, आपका जो है पेन पेपर असेसमेंट, टेस्ट हो गए, आपके कई सारे आपके फैक्टर्स पे, यानी कि सभी में स्टूडेंट्स को बेहतर परफॉर्म करने के बाद ही 20 में से 20 मार्क्स मिलते हैं। तो सीबीएसई बोर्ड जो है मार्क्स को, जब आपके सीबीएसई बोर्ड जब मार्क्स को स्कूलों से लेगी तो सबसे पहले वो आपको जो है मोस्टली कंसीडर करेगी वो इंटरनल असेसमेंट के मार्क्स को लेकर। वहीं दूसरे स्कूलों में ये भी साफ साफ उन्होंने भी क्लियर कर दिया कि छात्रों को जो परमिशन दिया जाएगा, यानी क्लासरूम में यानी स्टूडेंट्स का परफॉर्मेंस कैसा रहा था, यानी कि स्कूलों ने बताया कि स्कूलों में जो ऑनलाइन पढ़ाई हुई थी अप्रैल के बाद से, तो उसमें छात्रों का किस तरीके से उनका जो है परफॉर्मेंस रहा था, वो किस तरीके से उन्होंने क्लासेस ली, उसी के बेसिस पे इंटरनल असेसमेंट जब मार्क्स देंगे हम, तो ये भी तय करेगा, ये फैक्टर्स भी तय करेगा कि साल भर स्कूलों में उनकी प्रेजेंस कैसी थी, स्कूलों में उनका थ्रू द ईयर यानी पूरे परफॉर्मेंस यानी पूरे ईयर में उनका स्कूल में परफॉर्मेंस कैसा रहा था। सबसे बड़ी बात है जो स्कूल के प्रिंसिपल ने की, वही रिजल्ट को लेकर यह कहा जा रहा है। जैसे कि आपको पता होगा अप्रैल मंथ में आपका पेपर को कैंसिल किया गया है, तो विद इन 15 डे यानी कि 15 मई से पहले आपका रिजल्ट को आने की पूरी पूरी पॉसिबिलिटीज है कि क्लास 10 का रिजल्ट को मार्क्स को जो है पूरे देश भर में 15 मई से पहले कलेक्ट करके क्लास 10 के सभी छात्रों का रिजल्ट को देने की सबसे बड़ी बातें निकल के सामने आ रही है। वही फ्रेंड्स, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपके कोई डाउट हो तो नीचे कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जय हिंद। खत्म करें लेकिन उससे पहले, जो आपने पूरी साल जो है एग्जाम्स की तैयारी की है, अभी वो समय है, बेस्ट समय है कि आप अपनी तैयारियों का जायजा लें, आप अपनी तैयारियों को रिवाइज करें। तो उसी के लिए अनअकैडमी आपको एग्जामिनेशन के ही सभी छात्रों के लिए जो है 6, 9, 10, 12 के सभी छात्रों के लिए अनअकैडमी कम्बिट पेश कर रहा है। मैथमेटिक्स एंड साइंस में आपका जो है आपका अनअकैडमी का कम्बिट होने वाला है। यहाँ पे आप अपनी तैयारियों को लेवल अप कर सकते हैं, अनअकैडमी का चैलेंजिंग बैटल में शामिल होके प्रिपरेशन भी करेंगे, प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। यहाँ पे आपको पूरी कम्प्लीटली ये जान सकते हैं कि आप अभी कहाँ स्टैंड करते हैं अपनी तैयारियों के अनुसार। यानी पूरी तरीके से अनअकैडमी का कम्बिट का फॉर्मेट जो है बहुत ही सिंपल होने वाला है। अनअकैडमी जो है 60 मिनट का आपका पूरी कम्प्लीट जो है अनअकैडमी कम्बिट चलने वाला है। 30 सुपर क्वेश्चन यहाँ पे हर एक स्टूडेंट्स यहाँ पे फेस करेंगे, और आपको वीकली कम्बिट भी अनअकैडमी आपके लिए प्रोवाइड कराता है। नेगेटिव स्कोरिंग भी है और हिंदी एंड इंग्लिश अपने लैंग्वेज में आप जो है अनअकैडमी कम्बिट में शामिल हो सकते हैं। लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया है। ज्वाइनिंग होना काफी सिंपल है, रजिस्ट्रेशन अभी कर लीजिए। आपका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में है, और साथ साथ स्क्रीन पे शो हो रहा कोड, वो कोड को सीखे हिंदुस्तान कोड को इस्तेमाल करिए और आपको जो है अनअकैडमी कम्बिट में जुड़ जाइए। और यहाँ पे आपको डिटेल वीडियो सॉल्यूशंस भी आपको बेस्ट एजुकेटर्स द्वारा प्रोवाइड की जाएगी। आपका जो पूरी तरीके से टेस्ट होगा मल्टीपल चॉइस बेस्ड टेस्ट, पूरी कंप्लीटली टेस्ट होने वाला है, और हर एक टेस्ट के बाद आपको जो है यहाँ पे पॉइंट दिए जाएंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे सबसे मोस्ट इंटरेस्टिंग स्टूडेंट्स को ये पता चलेगा कि पूरे देश भर में जितने भी छात्र हैं उनमें मैं स्टैंड कहाँ करता हूँ, यानी कि ऑल इंडिया रैंकिंग भी आपको बताई जाएगी। और साथ ही साथ अनअकैडमी के आप लोग जो है टॉप रैंकिंग आने वाले छात्रों को अनअकैडमी 1 करोड़ तक का स्कॉलरशिप भी देगा। यानी कि बात करें 1 से 3 रैंक वाले स्टूडेंट्स को अनअकैडमी का 1 ईयर का प्लस सब्सक्रिप्शन, 4 से 10 के स्टूडेंट्स के लिए जो है 75% आपको जो है ऑफ मिलेगा प्लस सब्सक्रिप्शन पे। वहीं 11 से 50 और 51 से लेकर 300 तक का रैंक भी आता है, तो अनअकैडमी आपको स्कॉलरशिप प्रोवाइड कराने वाला है। तो काफी अच्छा मौका है उन स्टूडेंट्स के लिए। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाइए अभी से अभी कमिट में जुड़ जाइए।